भारतीय टीम का ऐलान। जी हां, श्रीलंका दौरे के लिए भारत की टीम का ऐलान हो चुका है और ऐसे में वनडे और T20 मैचों के लिए टीम की घोषणा कर दी गई है। कुछ चौंकाने वाले नतीजे आए हैं और कुछ ऐसे भी खिलाड़ी रहे जो डिजर्व करते थे लेकिन वो इस टीम का हिस्सा नहीं है। यह शुरुआत करते हैं वनडे की टीम को लेकर। रोहित शर्मा ने कमबैक किया है और वो T20 के रिटायरमेंट के बाद वनडे में वो कप्तान की भूमिका निभाए। ऐसे में सुमन गिल को उपकप्तानी दी गई और न केवल वनडे के लिए उनको T20 का भी उपकप्तान बनाया गया है। ये उनको एक क्रेडिट है, एक मैं समझता हूँ उनको उपहार है, क्योंकि जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। और ऐसे में हार्दिक पांड्या के बारे में कयास लगा जा रहा था कि जो कि वो उपकप्तान थे T20 वर्ल्ड कप के दौरान, वो शायद उपकप्तान हो सकते हैं, लेकिन उनको वनडे में तो मौका नहीं मिला क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो विराम करना चाहते थे। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि शुभमन गिल, जो कि दोनों फॉर्मेट में जिनका चयन हुआ है, और साथ ही साथ शिवम दुबे, वाशिंगटन की बात करें तो वाशिंगटन सुंदर, ये भी दोनों फॉर्मेट में आ चुके हैं। रियान पराग ये सबसे चौंकाने वाला नाम रहा है। उम्मीद कर रहे थे कि शायद T20 में ही नहीं, उनको वनडे में भी शामिल कर लिया गया है। ऐसे में ये देखना होगा कि कैसा उनका प्रदर्शन रहता है। अक्षर पटेल को भी वरीयता दी गई है दोनों फॉर्मेट में। अक्षर पटेल के साथ ऐसा लगाया जा रहा था कयास कि मुकेश कुमार को शायद हम देख सकते हैं वनडे और T20 में, लेकिन दोनों में भी वो पिक्चर से गायब। साथ ही साथ अर्शदीप का पहले से ही तय माना जा रहा था कि वो कमबैक करेंगे। ऋषभ पंत दोनों ही T20 आई और वनडे में उनको भी जगह दी गई है। मोहम्मद सिराज ये नाम है जो कि T20 और वनडे जो नाम मैंने बताया ये दोनों में रहेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं हर्षित राणा, जिन्होंने एक भी मैच नहीं खेला, हालांकि उनको मौका मिला था जिम्बाब्वे के खिलाफ, वो कमबैक करके आए। कहीं ना कहीं वो अपनी एक दूरगामी यानी बहुत दूर तक भारतीय टीम के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे में सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाना ये भी एक बात हो सकती है। हालांकि देखा जा रहा है कि हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर, और कहीं ना कहीं वो फिटनेस एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, इसके अलावा कोई शायद ही बात हो सकती थी जिससे उनको कप्तान ना बनाया होगा। और बड़ी बात आई है, रवीन जडेजा और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों ही इस नामों की घोषणा से गायब है। ऐसे में अभी हाल ही में एक बयान जारी करके रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि अगले सुपरस्टार के तौर पे वो इंडिया में ऋतुराज गायकवाड़ को देख रहे हैं। मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने भी ये बात की पुष्टि की थी, लेकिन ना तो जडेजा है और ना ही ऋतुराज गायकवाड़ है। और युवाओं को थोड़ा सा मौका जो मिलना चाहिए था, मुझे लग रहा है अभिषेक को मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इस तरीके से केएल राहुल की वापसी भी एक शानदार हुई है। अब देखना है दोस्तों ये T20 और ODI का जो दौरा है श्रीलंका का, इसमें किस तरह का प्रदर्शन होता है। लेकिन भारतीय चयनकर्ता और कोच की एक सोच है कि ये टीम दूर तक जाएगी और दूर दृष्टि से ही इस टीम का चयन किया गया है। ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ का ना होना, जडेजा का क्या कमबैक होगा या नहीं, और कुछ खिलाड़ी जो डिजर्व करते थे वो रहेंगे कि नहीं, ये सवाल जरूर है।